अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवेन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन ये कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे टू सर्कल्स हम लिए, एक सर्कल ये स्मॉल सर्कल है और ये लार्जर सर्कल है, तो दोनों सर्कल का सेंटर सेम है यहाँ पे ओ। तो ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हैं उसे हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। वैसे दो भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, मेनी सर्कल्स हो सकते हैं जिनके सेंटर सेम वो कंसेंट्रिक होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो लार्जर सर्कल है, दो सर्कल दिया है जो कंसेंट्रिक है, जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियाई, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और स्मॉलर सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में कोई एक ऐसी कार्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। जैसे ये हमारा लार्जर सर्कल है और ये स्मॉलर सर्कल है, तो लार्जर सर्कल की हम ए बी एक कार्ड लिए, इस तरह हमें ये कार्ड लेना है कि ये स्मॉलर सर्कल को टच करे। तो हम ए बी कार्ड लिए हैं और ये कार्ड जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रही है, तो हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। यानी कि हमें ऐसे कार्ड की लेंथ फाइंड करनी है लार्जर सर्कल के जो स्मॉलर सर्कल को टच करे। तो यहाँ पर हम वो कार्ड ए बी लिए हैं जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रही है, तो हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में यही कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, यानी स्मॉलर सर्कल को जो टच करे। यहां पे हम देख रहे हैं पॉइंट पी पे टच कर रही है। अब यहां पे क्या है ओपी, हम देख रहे हैं कि जो OP है, जो पॉइंट P है इस स्मॉलर सर्कल पे है, तो OP रेडियस हो गई, स्मॉलर सर्कल की रेडियस हो गई, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितनी दी है, 3 दी है। सो वी कैन राइट OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे सर्कल की रेडियस है। सिमिलरली OA, OA हम देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट है, तो OA जो है ये लार्जर सर्कल की क्या होगी, रेडियस हो गई OA। सो वी कैन राइट OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज गिवेन एज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देख रहे हैं, अब हम जानते हैं कि जो रेड, जो यहाँ पे देख रहे हैं जो ओपी है यहाँ से, ये परपेंडिकुलर है, ओपी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेगी पॉइंट पी। क्यों? क्योंकि जो ए बी है, जो ए बी लाइन है, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई, क्योंकि ए बी पॉइंट पी पे टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, तो ए बी जो है स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई। हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वह टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट पी जो है कॉन्टैक्ट का पॉइंट है, तो ओ पी रेडियस, ए बी टेंजेंट है, तो ओ पी जो है ए बी पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा। जब ये एंगल 90 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल OPA है, OPA ट्रायंगल जो हमारा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। वो क्या होती है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP, AO स्क्वायर, AO हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। क्यों? क्योंकि हमारा 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम या ब्रैकेट में हम यूज भी कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AO, AO हमारा क्या है, AO 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल है, तो AO की जगह हम 5 लिख सकते हैं। फिर AP स्क्वायर प्लस है प्लस OP, OP हम देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ ये स्मॉलर सर्कल है, तो OP गिवेन है 3 सेंटीमीटर, OP की जगह 3 हम लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में इधर होगा माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा, 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इधर से स्क्वायर हम हटाएंगे, इधर अंडर रूट हो जाएगा, सो वी कैन राइट AP इज इक्वल टू अंडर रूट 16 r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आई। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो जब हम किसी सर्कल में जब सेंटर से किसी कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कार्ड को टू इक्वल पार्ट से हमें डिवाइड करती है। जैसे हम स्मॉलर सर्कल को हम यहाँ पे भूल जा रहे हैं, नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, हम लार्जर सर्कल को ले रहे हैं, तो लार्जर सर्कल के लिए ए बी हमारी कार्ड हो गई, ए बी कार्ड है। अब ओ से ओ पी हमारा क्या परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री बना के। क्यों? क्योंकि 90 है, तो ओ पी परपेंडिकुलर हो गया। तो जब ओ पी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कार्ड ए बी को टू इक्वल पार्ट से हमें डिवाइड करेगा, मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी।
होगी, यानी कि ए बी जो हमारी होगी जो यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्ट होगी वो ए पी की ट्वाइस होगी। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू 2 × 4, यानी कि इसका ट्वाइस होगी ए पी की। ए पी हमारी 4 है तो 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 cm, यानी कि लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड जो कार्ड है उसकी जो लेंथ आएगी 4 cm आएगी। ए बी इज इक्वल टू 8 cm, यही हमारा आंसर है।